हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इफाई सिद्दीकी, आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ACR और DCR SMAW यानी कि स्टिक वेल्डिंग में ACR और DCR क्या होती हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस इलेक्ट्रोड से ACR और DCR में दोनों में वेल्ड करने वाला हूँ E6013। डीसी आर्क बनाने के लिए डीसी रेक्टिफायर का यूज करने वाला हूँ ये इलेक्ट्रिक होल्डर में। एसी आर्क के लिए मैं एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का यूज इस इलेक्ट्रिक होल्डर के साथ यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अभी वेल्ड करने वाला हूँ एसी आर्क से। जैसे कि मैंने अभी आपको मैंने बताया, इस इलेक्ट्रिक होल्डर से E6013 से एसी आर्क में मैं अभी वेल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने अभी आपको जो एसी आर्क होती है उससे वेल्ड करके बताया है। अभी मैं आपको डीसी आर्क से वेल्ड करके बताने वाला हूँ। इस इलेक्ट्रिक होल्डर से अभी मैं डीसी आर्क में वेल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने दो वेल्डिंग लाइन की है, एक है एसी आर्क वाली और दूसरी है डीसी आर्क वाली। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो वेल्डिंग लाइन खींची हुई है वो डीसी आर्क वाली है और यहाँ पर जो वेल्डिंग लाइन खींची हुई है वो एसी आर्क वाली है। अभी मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ। एसी आर्क, जो एसी आर्क में वेल्डिंग की क्वालिटी डीसी आर्क से कम स्मूथ होती है। नंबर दो, एसी आर्क में ज़्यादा स्पेटर बनते हैं। नंबर तीन, एसी आर्क में आर्क को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब डीसी आर्क में वेल्डिंग की क्वालिटी एसी आर्क से ज़्यादा स्मूथ होती हैं। डीसी आर्क में कम स्पेटर बनते हैं। डीसी आर्क में आर्क को हैंडल करना आसान होता है, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में लिखकर जरूर बताना।